But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू द एजीमेंट न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एंटमैन 3 के बारे में। अगर आप मेरे सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, तो आपको पहले ही पता चल गया होगा कि एंटमैन 3 मूवी ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। बट इसे कंफर्म किसने करा है? तो इसे कंफर्म करा है एंटमैन के डायरेक्टर ने। जी हाँ, जिन्होंने एंटमैन द वास्प मूवी डायरेक्ट करी है, उन्होंने ये चीज पहले ही ऑफिशियली कंफर्म कर दी है कि एंटमैन 3 आएगी और उसको मैं ही डायरेक्ट करूंगा। ये काफी बड़ा स्पॉइलर हो गया, क्योंकि एंटमैन के बाद सीधे एवेंजर 4 हमको देखने को मिलती और देन उसमें इवेंट के साथ पता चलता कि क्या होगा एक्चुअल में। बट उन्होंने ये चीज पहले ही कंफर्म कर दी कि एंटमैन 3 आएगी, तो अब ये स्पॉइलर हो चुका है। और देन एंटमैन की स्टोरी कैसी होगी, उन्होंने ये छोटा छोटा बेस बता दिया कि इसकी स्टोरी सिंपल तो नहीं रखेंगे और थोड़ा क्रिएटिव रखेंगे, और जिससे कि मार्वल फेज 4 भी और ज्यादा इंटरेस्टेड लगेगा फैंस को। और देन मैं आपको बता दूं कि पेटेंट की नजर फैंटास्टिक 4 पे भी है, तो शायद वो इस मूवी को डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इन फ्यूचर मार्वल फेज 4 में क्या होगा। बट आप टेंशन मत लीजिए, फाइनली आपको 2022 तक या 23 तक एंटमैन 3 आपके सामने होगी। अभी 2018 चल रहा है, तो मजा लीजिए इस पिक्चर का। और देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर डोर मामू के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।